वहीं कटनी जिले में जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने भीषण गर्मी में मरीजों की समस्याओं को देखते हुए शिशु गर्भ वार्ड के प्रतीक्षालय में वाटर कूलर का लोकार्पण का शुभारंभ किया है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में कटनी के अलावा आसपास के इलाके के मरीजों का आना जाना लगा रहता है, जिसके चलते इस तरह के भीषण गर्मी में मरीजों के परिजनों को शीतल जल के लिए यहाँ वहाँ भटकना पड़ता है। अगर देखा जाए तो कटनी जिले के शिशु गर्भावस्था के मरीजों का लोड जिला अस्पताल में ज्यादा देखा जाता है। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए सिविल सर्जन ने जिला अस्पताल में वाटर कूलर स्थापित किया है। वहीं अब वार्ड में मौजूद मरीजों के परिजनों को इस भीषण गर्मी में ठंडे पानी के लिए दूर तक नहीं जाना पड़ेगा। मेरा नाम आरएल चौधरी है, मैं बारडोली वेलफेयर सोसाइटी का सदस्य हूँ। इस वर्ष भीषण गर्मी की वजह से, सूरज देवता की तीखे प्रहार की वजह से पब्लिक, आम जनता अस्त व्यस्त शरीर हो गया। इसलिए पानी की सुविधा के लिए हमारे संस्था के तमाम सभी सदस्यों ने ये विचार किया कि जिला, सबसे पहले जिला चिकित्सालय में वाटर कूलर की व्यवस्था की जाए, और जो हमने किया इसके उपरांत दो कूलर, वाटर कूलर एक बस स्टैंड में और एक रेलवे स्टेशन में भी स्थापित किए जाएंगे। जिला चिकित्सालय कटनी एक ऐसा स्थान है जहां शासन के द्वारा समस्त प्रावधान किए जाते हैं, परंतु इसके बावजूद जन सुविधाओं में हमेशा एक विस्तार की गुंजाइश बनी रहती है। सामान्य रूप से लें तो हवा, पानी, आवासीय सुविधा, ये सब की है ना, परिजनों के लिए हमेशा कमी बनी रहती है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अधिक संख्या में आते हैं। और हमें ये सौभाग्य है कि कटनी में बहुत सारी उदारमना संस्थाएं ऐसी हैं जो कि स्वयं की प्रेरणा से आगे आकर अस्पताल को संसाधन जुटाने में मदद करती हैं। कटनी बारडोली फाउंडेशन भी एक ऐसी ही संस्था है, उन्होंने आज यहाँ पर जो रोगी प्रतीक्षालय है इस क्षेत्र में जल सुविधा उपलब्ध कराई है। मुझे आशा है जो भी लोग यहाँ रुकेंगे वो इन सुविधाओं का उपयोग जो जायज तरीके से करेंगे और इस मशीन को हमेशा कार्यशील रखने में मदद करेंगे।